प्रातः स्मरण करते स्नान करते समय गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जनेश्विन सन्निधिं कुरु। चाहे जो जल मिल जाए जब स्नान करते हैं समय पर, इन सबका स्मरण करके स्नान करते हैं, अर्थात इन सबका आवाहन करते हैं उस जल में। आज इस संत महोत्सव में हम क्या कहें, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माइक मैं इस क्षेत्र में कभी नहीं आया था, आकांक्षा थी मेरी, मैं इतने तक पहुंचूं और सिंधु माता का दर्शन। माइक का गोल क्षेत्र देख करके मुझे प्रसन्नता हुई, हिमालय का दर्शन हुआ, सिंधु माता का दर्शन हुआ, यहाँ के सीधे साधे देवासियों का दर्शन हुआ। कितने स्नेह से आप लोग एकत्रित हुए। अरे महोत्सव केवल लद्दाख का नहीं है, पूरे भारत का है। हमारे बगल में यहाँ के बौद्ध संस्थान के आश्रम के श्री महंत जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। चाहता तो था मैं कि प्रतिवर्ष आऊं, लेकिन हमारे महामलेश्वर जी ने हमको अभी तक कभी बताया ही नहीं, जबकि हमारा इनका बहुत संपर्क रहता है, आपने बताया नहीं। परंतु हमारे माननीय इंद्रेश जी ने रख दिया, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह हमारे क्षेत्र प्रचार क्षेत्र में है। भगवान शंकराचार्य ने यह सब क्षेत्र ज्योतिर्मठ के अंतर्गत रखा है। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन अत्यंत व्यस्तता और दुरुप के कारण मैं नहीं आ पाया था। यह महोत्सव प्रतिवर्ष होता रहे, इसके लिए मैं हिमालय से भगवान अनाथनाथ विश्वनाथ से सिंधु मैया से प्रार्थना करता हूँ और आशा रखता हूँ कि हमारे इंद्रेश जी आजीवन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे महामंडलेश्वर जी जितेंद्रन जी यद्यप हमसे आए हुए बहुत छोटे हैं पर महामंडलेश्वर हैं हमारे, हम उनका सम्मान करते हुए आग्रह करेंगे कि इस उत्सव को और विकसित और विस्तृत किया जाए, इस क्षेत्र का जिससे विकास हो, यहाँ पर्यटन का बढ़ावा दिया जाए जिससे यहाँ की जनता का उत्थान हो, आगे बढ़े, सभी लोग सुखी और समृद्धशाली हो। ज्यादा नहीं, सिंधु माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति आशीर्वाद और आप सबके मंगल की कामना करते हुए बाड़ी विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरे हरे महादेव। प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। एक वर्ष बाद जब घाट प्रारंभिक स्थिति में आया तो इस घाट का जन के लिए लोकार्पण
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इस घाट का चयन कैसे हुआ और यहाँ ये सिंधु उत्सव कैसे फला फूला, उसके हिंदी और अंग्रेजी के शिलालेख, यह सामने जो मंच है इसके दाएं और बाएं लगे हुए हैं, और इसलिए वो दोनों शिलालेख आज अंत में समर्पित कर दिए जाएंगे। इसलिए आप उन शिलालेखों के फोटो भी ले जा सकते हैं, अपने साथ भी खींच कर फोटो ले जा सकते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो। सामने देखेंगे तो बाएं दाएं आपको शिलालेख दिखाई दे जाए। तो इसलिए सिंधु घाट की एक ब्रीफ हिस्टोरिकल जो ट्रेवलेंस है, ऐतिहासिक यात्रा है, बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं, वो अपना आशीर्वचन कहेंगे, फिर कार्यक्रम आगे आगे बढ़ता जाएगा।